आओ। करिश्मा सिंह, आप ठीक हैं? हम तो ठीक हैं मैडम सर, लेकिन अनु भैया एकदम ठीक कह रहे थे। इन्होंने बहुत गंदा प्लान बनाया है। इन्होंने एक जानलेवा वायरस बनाया जिसका टेस्ट करने वाले गर्भवती महिला को। वो सिर्फ नहीं, ये पूरे शहर के पानी में मिलाने वाले ये जानलेवा वायरस, जैसे ही लोगों तक ये पानी पहुंचेगा सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं, एक इंसान नहीं बचेगा। ऐसा मौत का खेल होगा ना कि सदियों तक याद रखेगी दुनिया। कुछ करना होगा हमें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैडम सर आप समझ रही है ना बात? हाँ, हमें जल्द कुछ कैसे करना है। आप लोग शहर को बचा सकती हूँ? हसीना, हसीना मलिक, हमें तो लगा था कि तुम बहुत ही समझदार, बहुत ही होशियार महिला हो, पर तुमने हमें ना उम्मीद किया। इस तबाही को अब सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि भगवान भी नहीं रोक सकते, क्योंकि इस वायरस की चपेट में सिर्फ ये शहर ही नहीं बल्कि पूरा देश जाएगा। चारों तरफ सिर्फ मातम ही मातम होगा, चीखना चिल्लाना, मौत लाशें। तब आएंगे हम एंटीडोट लेकर और बन जाएंगे इस पूरे शहर के भगवान। कितने लकी होंगे ना ये लोग, ये सब देखने के लिए जिंदा ही नहीं होंगे। निकालो अपने अंदर की भड़ास निकालो, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से बाहर जाएंगे ना उसके बाद तुम कुछ नहीं बोल पाओगी, क्योंकि बम 10 मिनट में तो ब्लास्ट होगा ही, पर अगर किसी से मदद की गुहार या फिर भागने की कोशिश की तो जरा सी ऊंची आवाज ये बम के सेंसर्स ना कर पाएंगे बर्दाश्त और हो जाएगा। एक बात पता तो होनी चाहिए कि ये बम फटेगा कितनी आवाज पे। इतनी आवाज पे भी फट सकता है, देखना चाहते हो? मैं तो बोलूंगा ही नहीं। Thank you.
संतोष चीता सारे कमरों की तलाशी लो जल्दी जाओ। क्या हुआ ये क्या सब कुछ ठीक है ना बाहर से आए हैं ना ये लीजिए सैनिटाइजर यूज कर लीजिएगा। सैनिटाइजर बाद में यूज करेंगे पहले ये बताइए कि क्या आपने हसीना जी को कहीं देखा है। अब क्या हुआ क्या बात सर क्या आपने हसीना जी को कहीं देखा है। हम उन्हें ही ढूंढ रहे हैं सर। क्यों क्या हुआ पता नहीं अचानक वो गायब हो गई है और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। पहले करिश्मा मैडम अब हसीना मैडम पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। सर अगर आप जानते हैं हसीना जी कहाँ है तो प्लीज हमें बता दीजिए सर। एक सेकंड वो तो गई हुई है अपने शहर लखनऊ। आपको कैसे पता? क्योंकि वो आई थी हमें बताने के लिए। आई थी अभी कुछ घंटे पहले हमारे कमरे में हमसे कहने कि जा रहे हैं तो बस आपसे टाटा बाय बाय करने आए हैं हम। हाँ पर थोड़ी सी परेशान जरूर लग रही थी। हमने तो पूछा कि क्या हुआ है पर कुछ कहा नहीं उसने हमसे। ऐसा कैसे हो सकता है सर? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हमें बिना बताए कहीं जा ही नहीं सकती है। हो नहीं सकता मतलब क्या है आपका? क्या कहना चाह रहे हैं आप कि हम झूठ कह रहे हैं आपसे? अच्छा आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना? एक सेकंड रुकिए आप। मानसी जी छोटी माँ बताओ बेटा इन्हें ये तुम्हारी छोटी माँ पे शक कर रहे हैं। बताइए जरा इन्हें कि तुम्हारी दीदी वो आई थी हमारे कमरे में आई थी ना हमसे कहने कि वो जा रही है। छोटी माँ सच कह रही है हसीना दीदी आई थी और बोल के चली गई कि वो वापस जा रही है। असंभव ऐसा हो ही नहीं सकता। हमको किसी पर भी भरोसा नहीं है। दत्ता दत्ता कहाँ है सर? इस सारे फसाद की जड़ वही है। उसे पता होगा कि हसीना जी के साथ क्या हुआ है। कहाँ दत्ता कहाँ है सर? बहुत हुआ डीएसपी अनुभव सिंह बहुत हुई तुम्हारी पुलिस की अधौस। तुम्हें परिवार का सदस्य समझकर अब तक सब कुछ बर्दाश्त करते रहे मगर तुम हमारे ही घर में खड़े होकर हमारे ही घर वालों से अनाप शनाप बोले जा रहे हो। क्यों जाएंगे ये सब हसीना के खिलाफ? आप समझ नहीं समझ रहे। आप नहीं रहे डीएसपी अनुभव सिंह कि आप इस समय कहां खड़े हैं और किसके परिवार वालों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। सर दरअसल बात ये है कि जितना बर्दाश्त करना था कर चुके अब हमारे बर्दाश्त को और ना आजमाएं। आप बेहतर है कि आप सब लोग यहां से चले जाए वरना हमारे एक इशारे पर आप सबको इस इलाके से उठाकर फेंक दिया जाएगा। जाइए। सर
दुश्मनों को तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन उन प्रेग्नेंट औरतों का क्या जिन पे हम टेस्ट करने वाले हैं? ठीक है तो फिर भाड़ में गया टेस्ट, अब डायरेक्ट अटैक होगा। हम आज ही पानी की सप्लाई में वायरस को रिलीज करवा देंगे, अब और इंतजार करना सही नहीं होगा। मैडम अगर वायरस की चपेट में हम आ गए तो? टेंशन क्यों लेते हैं दत्ता जी, एंटीडोट है हमारे पास, थोड़ी सी सावधानी मतलब परेशानी, इसी बात पे दे ताली। दी ताली। एंटीडोट है कहाँ पर? वही जहाँ उसे होना चाहिए, सबसे सुरक्षित जगह पे, हमारे घर में। अब आप जाइए, जल्दी जाकर वायरस लॉन्च की तैयारी कीजिए। जी मैडम। हम पहुँचते हैं वहाँ पर। जी मैडम। फिर इस वायरस को उस वॉरहेड में इंजेक्ट कीजिए और फिर इसे मिसाइल में फिट कीजिए। मैडम मैं चाहता हूं कि ये शुभ काम आपके हाथों से हो। ठीक है। फ्रीज। जो जहां है वहीं रहे वरना हम गोली चला देंगे। हम जानते थे आप झूठ बोल रही थी, अगर हम चाहते तो उसी वक्त आपको हथकड़ी पहना सकते थे, लेकिन नहीं, अगर हम आपको बंदी बना देते तो आपका पीछा करके इन सब तक कैसे पहुंचते? सारे चूहे एक साथ चूहेदानी में जाने चाहिए ना। चलो जल्दी भी क्या है, देखिए शिकारी जब शिकार करता है ना तो हमेशा एक एक्स्ट्रा तीर अपने पास संभाल के रखता है। कैसी लगी? बहुत जोर से है ना। चलो अब अपनी बंदूक नीचे रख दो। ये की ना आपने सही बात, अब अगर आपने या आपके किसी भी आदमी ने हमारे काम में किसी भी तरीके की दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम इसके साथ क्या करेंगे। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है छोटी माँ? चुप रह, कोई मावा नहीं है हम तुम्हारी, तुम तो सिर्फ जरिया थी तुम्हारे डैडी की दौलत तक पहुंचने का। अब हम बनेंगे इस पूरे देश की सबसे अमीर औरत, और ऐसा करने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती है। चलिए अब इस वायरस को इस वॉरहेड में डालने का काम शुरू करते हैं। जी मैडम। Yeah.
ये वायरस मुझे दे दो। देखो ये गोली निशाने पे है और हमारा निशाना कभी चूकता नहीं। उड़ा देंगे हम तुम्हारी खोपड़ी। हमारे अब्बू हमसे हमेशा कहा करते थे कि जब भी जिंदगी में कोई भी उलझन सताए हमेशा खुद से एक सवाल करो कि क्या आप जो करने वाले हो उसमें देश का भला है। सबसे पहले सबसे आगे अपना देश। कोई रास्ता नहीं था। अगर हम ये नहीं करते तो बहुत सारी मासूम जाने चली जाती। तो भाई तो बताओ बताओ हमें एंटीडोट किधर है? अभी क्या अभी बताओ नहीं तो जिंदा गाड़ देंगे यहाँ पे तुमको। जो करना चाहती हो कर लो, नहीं बताएंगे। नहीं बताओगी? नहीं बताओगी? रुको! प्लीज मेरी छोटी माँ को छोड़ दीजिए, मुझे पता है एंटीडोट कहाँ रखा है। तुमको पता है कहाँ रखा है? कहाँ रखा है बताओ हमको, कहाँ रखा है? घर पे। घर में? मैंने इनकी और दत्तंकल की सारी बातें सुनी थी। एंटीडोट है कहाँ पर? वही जहाँ से होना चाहिए, सबसे सुरक्षित जगह पे, हमारे घर में। अब जाओ जल्दी जाकर वायरस लॉन्च की तैयारी करो। जी मैडम। घर में? घर में कहाँ बेटा? बेटा जल्दी बताओ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ बेटा बताओ, घर पे कहाँ रखा है? नहीं पता, बस घर पे ही रखा है एंटीडोट कहीं। बताओगी? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि वो एंटीडोट कहाँ है। ढूंढना चाहते हो ना? हाँ ढूंढना चाहती हो? जाओ 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 जाओ, ढूंढो ढूंढो। क्या तुम्हारी हसीना मैडम के पास इतना वक्त है? जैसे ये बेहोश हुई ना, ये तो गई। जाओ जाओ जाओ, बचा लो, पर तुम्हारी हसीना मैडम नहीं बचेगी। मैडम सर, मैडम सर, आपको बेहोश नहीं होना है। मैडम सर, आंखें खुली रखिए। मैडम सर, बस बस जा रही है अब। नहीं करिश्मा सिंह, नहीं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। इससे पहले कि देर हो जाए मैं हसीना जी को महिपाल जी के घर तक लेकर जाना होगा। चिता, हेडक्वार्टर्स को सूचित कीजिए, फोर्स बुलवाइए और इन्हें गिरफ्तार कीजिए। और अगर इन लोगों ने भागने की कोशिश की तो यार शूट कर रस में ऑर्डर। चलो करिश्मा सिंह, लेट्स गो। बस होश में रहिए मैडम सर, बस आप पहुंचने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, पांच मिनट और। हाँ होश में रहिए सर, जरा जल्दी कीजिए। नहीं उनको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप बस आंखें खुली रखिए। अब मैडम सर, नहीं 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 नहीं, होश में रहिए, होश में रहिए, होश में रहिए, प्लीज होश में रहिए, बस पांच मिनट का बात है मैडम सर। नहीं 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 नहीं, उनको सोने मत देना, सोने मत देना। नहीं बिल्कुल नहीं सोना मैडम सर, आपको बिल्कुल नहीं सोना, आपको होश में रहना, आपको होश में रहना। हट जाइए, हट जाइए, आपको होश में रहना, आपको होश में। हसीना, हसीना, क्या हुआ इसे? सर हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी क्यों?
आप हमारा भरोसा कीजिए मानसी, तुम अपने पापा को सारा बात बताओ। हाँ हाँ बताओ। चलो 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 चलिए सर, चलिए बताओ। क्या हुआ बेटा? आराम से आराम से, आप रुकिए, हम एंटीडोट ढूंढ कर आते हैं। नहीं करिश्मा सर, आप नहीं जाएंगे, एंटीडोट लेने हम जाएंगे। आप हसीना जी के पास लीजिए और याद रखिएगा, जब तक हम वापस नहीं आते आप हसीना जी को जगा कर रखेंगे। हाँ। इनकी आंखें बंद होने नहीं देंगी, ये काम सिर्फ आप ही कर सकती है। ठीक है, चलिए पुष्पा जी। हाँ जी, इनको बेहोश मत होने देना। मैडम सर, मैडम सर देखिए, आपको ना होश में रहना है, आपको ना आंख बिल्कुल बंद नहीं करना है, समझ गए ना आप हमारी बात को? अब हम आपको वचन देते हैं, हम ना मैडम सर, हम आपको कुछ होने ही नहीं देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल हाँ आपके साथ खड़े हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.